हाय एवरीवन, आई एम जरक शाह जेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जरक क्रिएशन। फ्रेंड, आज हम कुछ इस टाइप का गिलास बनाएंगे। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चैनल पर न्यू चैनल कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आप एक स्लैब ऐप को ओपन करना है। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर नेम टाइप करना है। मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा परी। परी लिखने के बाद आप लोगों ने डन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है और माय फॉन्ट में आ जाना है। माय फॉन्ट में आकर आप लोगों ने फॉन्ट यूज़ करने होते हैं और यहाँ पर ऐड करने होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर ऐड करने का नहीं पता तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कस्टम फॉन्ट्स ऐड इन पिक्सलैब के पिक्सलैब में फॉन्ट किस तरह से ऐड किए जाते हैं, वो वीडियोज़ देख कर आप बड़ी आसानी के साथ फॉन्ट मेरा भाई ऐड कर सकते हैं। इतना होने के बाद आप लोगों ने स्पेसिंग में आना, तकरीबन 7 पॉइंट तक स्पेस दे देनी है। अब आप लोगों ने शेप मैंने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। कार्ड मैंने सेव एज इमेज पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको अल्ट्रा क्वालिटी में रखना है और सेव टू गैलरी कर देना है। अब आप लोगों ने आना है पी एस टच ऐप में। अब मैं यहाँ पर पी एस टच में आ चुका हूँ। आप लोगों ने प्लस पर क्लिक कर लेनी है, फोटो लाइब्रेरी में आ जाना है और यहाँ पर वो फोल्डर ढूंढ लेना है जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी है। यहाँ पर मैं आऊँगा पिक्चर वाले फोल्डर में और यहाँ पर मैं अपनी पिक ले लूँगा, ठीक है। ये रहा पिक्चर वाला फोल्डर और यहाँ पर मैं अपनी पिक भाई ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऐड, ठीक है। ऐड कर लिया। अब आप लोगों ने प्लस पर क्लिक कर लेनी है, फोटो ले रहे मैंने और फोटो लाइब्रेरी में आ जाना है। फिर आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली यहाँ पर पिक्सलैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना है और अपना नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम ऐड कर लिया। इसका साइज़ आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और आप लोगों ने इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना और टेक पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर की 2 डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है और बेसिक में रहकर आप लोगों ने लैटिंग में आ जाना है। इस एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना है यहाँ पर, ठीक है। इस नेम को फुल ब्लैक कर देना है और टेक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है और फिर यहाँ पर आना है और इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर में आ जाना है, एफ एक्स में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। इसका एंगल 135 पे कर लेना है। इसका ब्लर आप लोगों ने 5 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी आप लोगों ने 6 पे कर देना है और टेक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप लोगों ने नीचे वाली लेयर में आ जाना है, एफ एक्स में आना है, बेसिक में रहकर आप लोगों ने बेवल में आ जाना है। इसका ब्लर 45 पे कर लेना है और इसकी जो डिस्टेंस है ना ये भी 45 पे करनी है। कलर सिंपली यहाँ पे ब्लैक कर लेना है, एंगल 135 पे कर देना और टेक पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने एफ एक्स में आना है और इस पर 3 दफ़ा और बेवल लगा लेना है। ये 2 दफ़ा हो गया और ये 3 दफ़ा हो गया। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैटन कर देना है। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, एफ एक्स में आना है और ग्लो में आ जाना है। 0.6 इसका ब्लर करना है, कलर आप लोगों ने वाइट कर लेना है। अब आप लोगों ने फिर इस पर ग्लो लगा लेनी, ठीक है। ग्लो लग गई और टेक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर लेना है, मोड प्लस करना है, टॉलरेंस 30 पे होनी चाहिए, कंटिन्यूस की टेक ऑन होनी चाहिए। अब आप लोगों ने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोगों ने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आप बड़ा नेम भी लिख सकते हैं, मतलब ज़्यादा वर्ड का, मैंने 4 वर्ड का लिखा, ठीक है। आप काम जो ज़्यादा भी लिखना चाहें तो आप बड़ी सनी के साथ मेरा भाई लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पे क्लिक करके नवेज लेना है और इसकी अमाउंट जो है ना ये आप लोगों ने 30 पॉइंट तक कर देनी है। इतना होने के बाद पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। अब आप लोगों ने मैजिक वैन टूल सेलेक्ट ही रखना है और ये पी वाला सेलेक्ट कर लेना है। एंड वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आप आए और फिल एंड स्ट्रोक में आए, कलर पे क्लिक करके कलर आप लोगों ने कौन सा करना है, रेड, और फिल पे क्लिक कर लेना है। इतना होने के बाद पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। फिर ए पे आए और यही सेम प्रोसेस करें, लेकिन कलर आप लोगों ने चेंज करते जाना है, कलर आप लोगों ने कोई और करते जाना है, ठीक है। मतलब एक कलर आप लोगों ने नहीं रखना। फर्स्ट में मैंने रेड किया, सेकेंड में मैंने ग्रीन किया और यहाँ पर मैं सियान करूँगा। सियान करने के बाद आप लोग यहाँ पर आएँ, इस पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी कलर रख लेना, मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ। इतना होने के बाद इन कलर वाले को फिर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारे को सेलेक्ट कर देना, मोड प्लस करेंगे तब भी ये सारा सेलेक्ट करेगा। अच्छा, इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है कि एफ एक्स में आना है, स्टाइलाइज में आना है और यहाँ पर स्टैम्प पैटर्न ले लेना है, ठीक है। इसकी जो स्केल है ना ये आप लोगों ने फुल बढ़ा लेना है और टेक पे क्लिक कर देना है। यहाँ तक आप लोगों का ग्लास वन बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ हम डिजाइनिंग करेंगे और लाइट लगाएंगे। वो कैसे लगाने वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा कर दिखाते हैं। प्लस पर आएँ, फोटो लेयर में आएँ, फोटो लाइब्रेरी में आएँ और यहाँ पर आप लोगों की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं पिक्चर वाला फोल्डर ढूंढूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा PNG पड़े हैं। बाकी अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं,
अगर मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई भी ऐप, PNG, फॉन्ट, जो चीज़ आप लोगों को चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा व्हाट्सएप आप लोगों को नंबर ना मिले तो आप नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आएं, ग्रुप वो ज्वाइन करें, वहाँ पर एडमिन मैं ही हूँ, ठीक है। मतलब वहाँ पर मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप इजी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं मुमकिन कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब दूँ, आपकी हेल्प भी करूँगा, जो चीज़ आप लोगों को चाहिए मैं आप लोगों को दे दूंगा। कोई PNG अगर आप DP बनवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को DP भी बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादातर यार मैं बिज़ी होता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं टाइम निकाल के आप लोगों को DP भी बना दूंगा, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने नाराज़ वगैरह नहीं होना, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत लेट हो जाए, क्योंकि यार टाइम बहुत कम होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, 3-4 चैनल हैं, उनको भी टाइम देना होता है और घर के काम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लगाऊँगा और फिर आऊँगा पेंसिल में, इसकी कॉपी करूँगा, फिर पेंसिल में आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा। तकरीबन आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है। बाकी ऊपर जितने मैंने PNG यूज़ किए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूँ, अगर मतलब आप लोगों को ये लगाना नहीं आता तो और मेरी ओल्ड वीडियोज़ हैं, वहाँ पर मैंने प्रॉपर लगा कर दिखाया हुआ है, लेकिन तरीका मेथड एक ही होता है, ठीक है। बस लड़ाया करें, दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर रखा करें। इतना होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ग्लास में रेडी इस डन पे क्लिक करके इसको सेव कर लें, शेयर पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको सेव कर लेना। फ्रेंड आज मेरी बात यही थी, वीडियो अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।